है, वो सीतापुर जेल पहुंचेगी आजम खान से मिलने के लिए। बड़ी खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद पुलिस का एक और कारनामा आपको बताते हैं। फ्रॉड अनूप चौधरी को पुलिस ने 7 बार गनर दे दिए। पिछले 3 सालों में कमिश्नरेट से 7 बार गनर दिए गए। अभी 14 सितंबर को भी गनर आवंटित हुआ। गाजियाबाद पुलिस का भ्रष्टाचार खुला। गाजियाबाद कमिश्नरेट की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद से कितने लोगों को गनर मिली है, इस बात की कोई जांच नहीं है। गाजियाबाद में कमिश्नरेट के किसी अफसर पर कोई एक्शन नहीं है। और गाजियाबाद से संवाददाता लोकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, पुलिस फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। बता दें आपको कि फ्रॉड अनूप चौधरी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के पुलिस अफसरों से चौधरी का कनेक्शन बताया जा रहा है। अनूप चौधरी के व्हाट्सएप से भी कई बड़े खुलासे होंगे। तमाम फजीहतों के बाद गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर लिखी, लेकिन गनर तो बड़े बड़े अफसरों ने खुद स्वीकृत किए थे। अब फर्जीवाड़े से गाजियाबाद के पुलिस अफसर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। लोकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, आरोपियों पर तो पुलिस कार्रवाई करती नहीं, उल्टा ऐसे आरोपियों को संरक्षण जरूर मिल जाता है। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी स्वाति इसी बात की है कि जब 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 7 बार जो अनूप चौधरी है इसको गनर प्रोवाइड किए गए हैं, और इसने अपने गाजियाबाद में एक पता बता रखा है, वैशाली में, सेक्टर 5 वैशाली, मकान नंबर 102। अभी तक वो पता भी ट्रैक आउट नहीं हुआ है, और अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर इसने अलग अलग जगह अलग अलग पद का इस्तेमाल करके इसने गनर लिए हैं। हैरानी इस बात की है कि जब अफसर इस गनर देने से पहले पूरी तस्दीक और जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो एलआईयू को पता है कि उसका पता कहाँ पे है, ना स्थानीय थाने को पता है कि पता उसका एड्रेस कहाँ पर जो है वो है। हैरानी इस बात की कि उत्तराखंड से 15,000 का इनामी गाजियाबाद की कमिश्नरेट से गनर लेकर घूम रहा है, और ना केवल गनर लेकर घूम रहा है बल्कि वो उत्तर प्रदेश के जो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है, खासकर अगर बात करें हम अयोध्या की, तो यूपीए स्टेट ने उसे अयोध्या से अरेस्ट किया है। अयोध्या में वो राम मंदिर की जानकारी देने के लिए। और अब अगली